नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। आजादी के बाद से ही देश में आरक्षण हमेशा से एक बहुचर्चित वाद विवाद का बड़ा मुद्दा रहा है। चारों दिशाओं के राज्यों में देख लें तो अलग अलग वक्त पर जातियों समुदायों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने, उनको दायरे में लाने या बढ़ाने को लेकर अक्सर तनाव दिखाई पड़ता है। अब इसे आगे बढ़ाते हुए निजी सेक्टर तक ले जाने की कवायद भी शुरू हो गई है। एक नया आयाम दे दिया इस पूरे डिस्कशन को। कर्नाटक में सरकार ने 100% तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को मंजूरी देकर सबके कान खड़े कर दिए। हालांकि आईटी हब माने जाने वाले कर्नाटक में इंडस्ट्रीज ने खुद विरोध किया और फिर सरकार को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। बात दक्षिण से निकली, राजस्थान में भी आ गई। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी शिव विधानसभा से आते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी लोकल को रिजर्वेशन होना चाहिए, उनके लिए कानून आना चाहिए ताकि उनको रोजगार मिल सके। उनका कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में चंद कंपनियों के हाथों में सब कुछ चला गया है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो राजस्थान में बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं है, शीर्ष प्रदेशों में शुमार है राजस्थान बेरोजगारी को लेकर। लेकिन जब सरकारी रोजगार बेहद सीमित हों और निजी सेक्टर से रास्ता निकलता हो तो क्या उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान करना ज़रूरी है? इसको लेकर पूरा डिस्कशन होगा। खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। तो शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि स्थानीय युवाओं को निजी सेक्टर में वरीयता मिलनी चाहिए। जो पश्चिमी इलाके हैं उनकी स्थिति का उन्होंने हवाला दिया है कि वहां पर युवाओं को स्थिति पिछड़ी है और उनको रोजगार वहां पर दिया जाना चाहिए। चंद कंपनियों का वहां पर कब्जा हो गया है, इसको लेकर भी उन्होंने बात रखी है। नेक्स्ट ग्राफिक, कर्नाटक ने मंजूरी दी और फिर टेम्प्ररी अभी उस पर रोक लगा दी है निजी सेक्टर में स्थानियों के आरक्षण को लेकर। सरकार का कहना है कि कन्नड़ भाषियों को प्राथमिकता दी जानी है। कंपनियां नाराज हो गई। नेस्कॉम का आपने देखा होगा किस तरह से रुक रहा, बड़ी बड़ी कंपनियों का, उसके लिए फिर सरकार को कदम पीछे लेने पड़े हैं। जो नॉन मैनेजमेंट पद है वहाँ 75% तक आरक्षण, मैनेजमेंट जो लेवल के पोजीशन से 50% स्टाफ के आरक्षण का प्रावधान रखा गया और जो लोअर पोजीशन सी और डी के लिए तो 100% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। दूसरे राज्यों में भी कवायद हो चुकी है। हरियाणा, झारखंड, MP, आंध्र, महाराष्ट्र में भी, वहाँ भी प्राइवेट जॉब्स में 75% तक आरक्षण का प्रावधान हुआ लेकिन लागू नहीं हो पाया। कोर्ट्स ने इस पर रोक लगाई और कुछ व्यवहारिक तौर पर भी संभव नहीं हो पाया। तो आरक्षण क्या ज़रूरी है या फिर ये सिर्फ एक सियासी मजबूरी है? राजस्थान में भी देखें तो पहले से इंडस्ट्रीज कम है और वहाँ पर कर्नाटक जैसी मांग से बड़ा नुकसान हो सकता है। एक लंबा पैनल हमारे साथ उस वक्त मौजूद है। बीजेपी से सुरेश गर्ग मेरे साथ होंगे, प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन होंगे, सुनीत बलसल प्रेसिडेंट राजस्थान सोलर एसोसिएशन से होंगे और स्टूडियो में मेरे साथ पीयूष भारद्वाज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हैं और दिल्ली से मेरे साथ स्टूडियो से डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य इकोनॉमिस्ट हैं, पब्लिक पॉलिसी को भी काफ़ी गहराई से समझते हैं। पाँचों का बहुत स्वागत है। सुरेश जी, पहला सवाल क्योंकि पॉलिटिकल बात हो गई तो आप ही से निकलता है। विधानसभा का सेशन चल रहा है, रविंद्र भाटी का ये कहना कि कर्नाटक में जैसा हुआ है राजस्थान में भी कर देना चाहिए, क्या तैयारी है? क्या सरकार चाहती है राजस्थान में भी इस तरह का प्रोविजन करना कि निजी सेक्टर में भी आरक्षण हो जाए? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और जहां तक कर्नाटक की आप बात कर रहे हो तो कर्नाटक के अंदर क्या हुआ है, कर्नाटक के अंदर जो सरकार भ्रष्टाचार में, आपने देखा होगा कि कर्नाटक के अंदर वाल्मीकि निगम का एक बहुत बड़ा घोटाला, 187 करोड़ रुपए का घोटाला है। मैसूर के अंदर अर्बन डेवलपमेंट का 1000 करोड़ रुपए का घोटाला। उन घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर्नाटक सरकार ने की है, केवल उनका भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के अलावा कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा झूठ बोल कांग्रेस की जहां जहां भी सरकार आई है वो केवल झूठी सरकार रही है, हमेशा उन्होंने झूठ बोल के सरकार बनाई है। आपने देखा होगा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद में उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए,
जबकि ये झूठ बोल के आए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन 5 साल तक राजस्थान के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया था। तो ये केवल एक झूठे और भ्रष्टाचारी लोग हैं, जनता का ध्यान भटकाने के लिए के अलावा और कुछ नहीं करते। तो और फिर जहां तक आरक्षण की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। आपने देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से भारत के अंदर बनी है तब से जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, और जो एक इकोनॉमिकल जो पब्लिक है उनको आरक्षण देना, उन युवाओं को आरक्षण देना वो मोदी जी ने दिया है। तो हमारा जो है देश के प्रति प्रतिबद्धता और क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता निश्चित रूप से है, लेकिन कांग्रेस केवल केवल अपना ध्यान भटकाने के लिए और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं करती। अब प्रियदर्शी आपको क्या लगता है आपकी पार्टी का क्या रुख है, क्योंकि आपने तो कर्नाटक में कर ही दिया है, तो आप तो समर्थक होंगे इसके, राजस्थान में भी होना चाहिए इस तरह का। देखिए जो सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था वो उसको घुमाते फिराते रहे परंतु किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट जवाब दूं, राजस्थान के अंदर आज आप देख लीजिए पूर्व अशोक गहलोत साहब की जो सरकार थी, हमने करीब 2.25 लाख से लेके 2.5 लाख लोगों तक को रोजगार दिया। ठीक है, हम हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मुद्दा रहा है रोजगार, जो भारतीय जनता पार्टी का कभी मुद्दा रहा ही। 2 मिनट को मैं थोड़ा सा राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की जो सरकार है उन्होंने रोजगार को जो आंकड़े दिए उसके संदर्भ में बात कर लूं, फिर आपकी बात का सीधा जवाब। इन्होंने अभी बजट सत्र में कहा कि भाई ये 4 साल के अंदर 1 लाख रोजगार के हिसाब से 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अंतरिम बजट में इन्होंने 70,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। अब आप देख लीजिए राजस्थान के अंदर कुछ सरकारी नौकरी 8 लाख तो नौकरियां हैं कुल, इसमें से ड्यू पद हैं करीब करीब 1,70,000, जिसके अंदर हर साल के अंदर अपन ज्यादा से ज्यादा मान लें तो करीब जो रिकॉर्ड है 32,000 से 35,000 नौकरियां होती हैं जो पेंडिंग रहती है। तो ये देंगे कहां जब आपके रिक्त पद ही 32,000 है, तो ये 1 लाख लोगों को रोजगार कैसे देंगे? अच्छा तो आने की बात कर रहे हैं प्रियदर्शी, आप इसीलिए कह प्रियदर्शी जी 1,35,000 नौकरी दिए और प्रियदर्शी जी तो आप इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकते तो इसलिए प्राइवेट में कर दीजिए रिजर्वेशन। देखिए मैंने आपका सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब दूं, हमारा ध्येय है कि सबको रोजगार मिले चाहे वो सेक्टर कोई सा भी हो, रोजगार उसको रोजगार मुहैया होना हर युवा का अधिकार है और यह हमारा सबसे बड़ा एक विषय है। इस संदर्भ के हमने जिला स्तर के ऊपर हमारे संवाद कार्यक्रम और जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम स्टार्ट करा हुआ है। उस संवाद कार्यक्रम के बाद हमारे जो ऑब्जर्वर हैं उनके द्वारा ये तय किया जाएगा कि इस संदर्भ में पार्टी का क्या व्यू आगे रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का रोजगार एक विशेष मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी रोजगार में भी रिजर्वेशन की बात हो रही है उससे भी आगे लकीर खींच दी आपने प्रियदर्शी जी। आप रोजगार तक बात नहीं है, बात अब रिजर्वेशन भी है और प्राइवेट रिजर्वेशन को लेकर के जो कर्नाटक में आपने किया है। आप मुझे बताइए आप जो रविंद्र भाटी ने कहा है उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? देखिए वो सबसे पहली चीज, रविंद्र भाटी जी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से बाहर आए हुए हैं और उनसे खफा होकर निर्दलीय चुनाव लड़े, हमारा आज की तारीख में उनसे कोई वास्ता नहीं है, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। वो क्या बात करते हैं सबसे पहली चीज तो उनको इस चीज को क्लियर करना चाहिए। अब रहता है कि हम कांग्रेस पार्टी उस बात में कितना इत्तेफाक रखती है कितना चीज रखती है, तो उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया ये कतई नहीं है। लेकिन जो जायज मांग होगी, जो जनता से जुड़ी मांग होगी, जो जनता के हित की मांग होगी, जो युवा के हित की मांग होगी, रोजगार की मांग होगी, स्थानीयवाद को प्रमोट करने की बात होगी और राजस्थान के विकास की मांग होगी, उसके संदर्भ में कांग्रेस हमेशा से हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। इस संदर्भ के अंदर हमारे हमारे जिला ऑब्जर्वर के द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी अपने आगे की रणनीति तय करेगी। आप भी वही बात बीजेपी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं, आप साफ नहीं कर रहे हैं कर्नाटक में किया कि उस तरह का करने की जरूरत है कि नहीं। मैं स्टूडियो में मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, जयजीत जी पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या ये जो मुद्दा है ये वाकई कोई सामाजिक आर्थिक मुद्दा है या फिर इसको सियासी रंग दिया जा रहा है? क्या राजस्थान की अगर बात करें तो करीब 29% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, टॉप में आता है, इंडस्ट्रीज कम है, अपने आप में रोजगार बहुत कम है, इस तरह की मांग क्या वाकई और हैम्पर करती हैं इस पूरे सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो को या फिर ज़रूरत है राजस्थान जैसे स्टेट्स को? ये तो किसी भी स्टेट में ये जो आरक्षण जिस प्रकार का आरक्षण किया जा रहा है और जिसकी चर्चा हो रही है ये गलत है, इसका कोई भी किसी भी तरह आप इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्यों गलत है? आप अगर राजस्थान में इसको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के हज़ारों लोग राजस्थान के बाहर भी हैं, क्या जो बाहर के स्टेट है वो बोलेंगे कि राजस्थानियों को फिर हमें बिल्कुल नौकरी नहीं देनी चाहिए?
तो धीरे धीरे तो हम तो देश के बंटवारे की बात करेंगे, जो कर्नाटका है वो जब कर्नाटका से बाहर जाएंगे उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको तो 100% आरक्षण उनके स्टेट में है। तो अगर कोई दिल्ली से कर्नाटका में जाता है उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या दिल्ली वाले ये नहीं बोलेंगे कि हमें कर्नाटका वालों को नौकरी नहीं देनी चाहिए दिल्ली में? तो इस प्रकार से अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 100% आरक्षण, 75% आरक्षण बताते रहें तो ये तो देश का बंटवारा होगा। दूसरी बात जो आर्थिक बात है, अगर हम आरक्षण दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश में जो 1.4 बिलियन का जो हमारा आबादी है उसमें जो बेस्ट लोग हैं उसको हम नहीं चुन रहे हैं, हम सब स्टैंडर्ड लोगों को चुन रहे हैं जो उस काम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जो कम जिनका स्किल्स है उसको लेके हम उनको वो इंडस्ट्री चलाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब वो इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी या कम चलेगी। अब जो जो जब हम ग्लोबलाइज तरीके से देखते हैं तो हमारे जो अंडर WTO है जो भी इम्पोर्ट्स आएंगे वो हमें एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फिर कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ठीक तरीके के लोगों को चुन नहीं पाए हैं। तो इससे नौकरी बढ़ेगी नहीं, नौकरी घटेगी, और यही हुआ है हमारे देश में। जब तक लिबरलाइजेशन नहीं हुई थी, लाइसेंस राज चल रही थी, उसके अनुकूल हमारे तो नौकरियां बढ़ नहीं रही थी। इसको हम फर्दर एग्जैबरेट कर रहे हैं बाई पुटिंग दीज रिजर्वेशंस। इसमें देश का विभाजन होगा और इसमें हमारे जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और कमोबेश वही तस्वीरें हैं जो पहले भी दिखाई देती रही हैं। महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, याद है शिवसेना ने वो जो दौर जो उसमें UP और बिहार के लोगों को बाहर निकालना शुरू किया था कि मराठों को पहले हक बनता है, और वो बहस एक बार फिर से कहीं ना कहीं वो जो डिवाइड वाली बात है विद इन स्टेट्स, वो बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं इस वक्त पर पीयूष जी आपके पास आना चाहूँगा। आर्टिकल 14 ज़रूर कहता है कि सबको समानता है, समरसता के साथ में देश है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, आर्टिकल 19 में एक्सप्रेशन की बात होती है, लेकिन इस तरह के एक्सप्रेशन कि हमारे कन्नड़िकों को सबसे प्राथमिकता है, राजस्थान में कहा जाए कि भाई पश्चिमी राजस्थानियों को वरीयता दीजिए, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का भी सवाल आ जाता है यहाँ पर? इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होनी चाहिए। देखिए, व्हेन इट कम्स टू अ क्वेश्चन ऑफ लीगल स्टैंड पॉइंट, आई वुड लाइक टू पॉइंट टू द वेरी यू नो नोटेबल जजमेंट इन इंदिरा स्वानीज केस, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन थी दैट इन एनी केस द रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस 50%। जी, और ये ऑब्जर्वेशन भी गवर्नमेंट डोमेन के अंदर थी। तो गोइंग बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इज अपलिफ्टमेंट ऑफ अ क्लास जो कि एक बहुत लंबे गुलामी के दौर से निकलने के बाद जो है वो सप्रेस हो गए थे। बट वेन इट कम्स टू द प्रपोजल टूडे, ये मोर ऑफ इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल अपीजमेंट। बिल्कुल, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस फैक्ट दैट यू नो द कंसॉलिडेशन ऑफ वॉट वी कॉल एज इंडिया और भारत टूडे केम फ्रॉम मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स। तो अगर आप रीजनलिज्म की बात करेंगे टुडे, एज सर राइटली पॉइंटेड आउट कि यू नो आफ्टर द 1991 यू नो इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिफॉर्म्स आए, तो टुडे वी आर अ ग्लोबल कंट्री। और जब ग्लोबल कंट्री की आप बात करते हैं, इवन इन रेफरेंस ऑफ कर्नाटका, आई मीन 25% ऑफ द इनकम यू नो द GDP कम्स फ्रॉम यू नो द IT सेक्टर, एंड इट इज द फिगर इज मोर देन यू नो 3.5 लाख करोड़। जी, अब अगर उसमें कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन को छोड़ के सिर्फ आप रीजन को पुश करेंगे, देन आई बिलीव दिस बिल वॉज नॉट ओनली यू नो प्री मेच्योर बट इट वॉज ऑल्सो अंडर कुक्ड, एंड इट इज ओनली फॉर दिस रीजन की इसको सेम डे जो है वो बैकलैश पे ला के यू नो द गवर्नमेंट हैज स्टेप डाउन। दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन दैट आई वुड से शुड बी अप्रिशिएटेड, बट मोर सो इट शुड बी पॉइंटेड आउट कि ये वो प्रोपोजिशन नहीं है जो आज के लीगल सिनेरियो में आई बिलीव स्टैंड करेगा, एंड द मोमेंट एनी गवर्नमेंट टेक्स अ स्टेप ऑन इट आई एम वेरी श्योर इट विल बी चैलेंज इन द कोर्ट। एब्सोल्युटली, और सबसे बड़ी बात ये होती है जब कर्नाटक जैसे स्टेट की बात होती है जो अपने आप में बेंगलुरु जैसे शहर बड़े IT हब हैं, पूरी एक तरह से कहें कि मिनी सिलिकन वैली हम उसे कहते हैं, और जहाँ मेरिटोक्रेसी की बात जब होती है उसमें फिर इसको लेकर आना वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। सुनील बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, खुद सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और डायरेक्टर हैं राजस्थान सोलर एसोसिएशन के। अब सुनील जी, जो राजस्थान की इमेज है वो सबसे बड़ी सोलर को लेकर के रही और काफ़ी पोटेंशियल इस एरिया में है, लेकिन आप बजट में मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है काफ़ी हमको किस तरह से जो है ईज ऑफ डूइंग कर सकती है बिजनेस हमारे लिए, और ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा कर सके और प्रदेश को आगे लेकर जा सके, लेकिन जो हमारे यहाँ खुद माननीय विधायक हैं जिनकी हम बात भी कर रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा हुआ, वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन ही कर देना चाहिए।
प्राइवेट रोजगारों में भी, आप सहमत है इस बात से? क्या हो सकता है, आप करना चाहेंगे? सुनील जी आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। इसमें क्या हमारे जो माननीय विधायक सीव के हैं रविंद्र भाटी जी, वो युवाओं की एक आवाज है राजस्थान के अंदर इस समय, और उनकी बात का मतलब ये भी हो सकता है कि राजस्थान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकता। एक तरीका उन्होंने सजेस्ट किया कि हम उनको रिजर्वेशन दे दें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दें, राजस्थान के युवाओं को हम कुछ ऐसा एज दे दें कि उनको बाय डिफॉल्ट ही इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलने लगता है। एक इसके अंदर बड़ी बात है, अगर हम हर स्टेट में एमएसएमई को बहुत अच्छा हैंड होल्डिंग दे दें, एमएसएमई को एज दे दें, एमएसएमई के अंदर मोर देन 70% जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो लोकल होता है। इसका ये रास्ता, ये तरीका भी निकाला जा सकता है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल लोगों को एनकरेज किया जाए इंडस्ट्रीज को किसी दूसरे इंसेंटिव के थ्रू और एनवायरमेंट के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बड़ा डिबेटेबल सा इश्यू है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, आप कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज हो तो उससे स्थानीय स्तर पर फायदा हो सकता है, ये बात आप मानते हैं? इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो लोकलाइजेशन अपने आप में स्ट्रांग होगा, आपका ये कहना है? और एमएसएमई को अगर जितना ज्यादा आप एम्पावर करोगे, लोकल लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है जी, ये इस बात से मैं आपसे टेकअप करना चाहूंगा, क्या वाकई को एक बैलेंसिंग मॉडल अपनाया जा सकता है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है, राजस्थान की हम बात करें तो करीब करीब 4 साल में 5 लाख नौकरियों की बात अब चल पड़ी है, लेकिन रोजगार सरकारी है नहीं। किस तरह से रोजगार का जो मॉडल, उसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठते रहे हैं देश भर के अंदर, विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार को लेकर भी। क्या कोई बैलेंस मॉडल हो सकता है लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ, या फिर जिस तरह के एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लोकल जनरेशन को लेकर जो बात अभी सुनील जी कर रहे हैं? लेकिन 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक कि सरकार का काम ये नहीं है कि सरकार के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। सिमिलरली आर्मी या मिलिट्री का काम ये नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। मिलिट्री का काम है कि वो अच्छी तरह हमारा सुरक्षा करे। सरकार का काम है कि वो सरकार ठीक तरह से चलाए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार में लोगों को भर के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो बर्बाद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समस्या ये है कि नौकरी है नहीं, ये कोई इसमें कोई दो बात नहीं है कि नौकरी की कमी है। तो हम क्या ऐसा करें कि दूसरों से नौकरी छीन के हम जो भी कोटा है, जो भी हमारा पॉलिटिकल बेस है, उनको बोले कि नौकरी हम उनको दे देंगे? ये चरस और गांजा से कम कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं, ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि हम आपके लिए नौकरी अभी दे देंगे, ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो 2 साल बाद वो नौकरी रहेगी नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसा जो इकोसिस्टम है और ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके बाद जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो पहले सुनने में पॉलिटिकली बहुत अच्छा लगता है कि हमें तो अभी नौकरी मिल जाएगी, हमारे लिए 70-75% 100% आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन वो नौकरियां रहेगी नहीं। हमने ये देखा हुआ है कि बंगाल में जब जैसी स्ट्राइक्स, यूनियनबाजी ये सब शुरू हुआ, सारे बड़े बड़े जितने इंडस्ट्रीज थे जिनके हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में था, वो सब भाग गए, वो सब भाग गए। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। जैसी ये आरक्षण अगर रियलिटी में बदलता है और अगर कोर्ट्स उसको अलाउ करती है, तो उसके तुरंत बाद ये इंडस्ट्रीज यहाँ से धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो ये नौकरियाँ की जो बात हो रही है, ये बिल्कुल चरस और गांजा से कम कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, काफ़ी रिमार्केबल पॉइंट है। क्योंकि ये आप देखिए, आंध्र प्रदेश इस तरह का कानून लाने वाला पहला पायनियर इस तरह का स्टेट था कि वो लेकर आए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब बड़ी हैरानी की बात है कि जब कर्नाटक में इस तरह गया, तो आंध्र के लोग कह रहे हैं, आंध्र की सरकार कह रही है इंडस्ट्रीज को कि आप हमारे यहाँ पर आ जाइए। ये बड़ा पॉलिटिकल गेम जिस तरह से किया जाता है। पीयूष जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इसको लेकर, स्टेट्स ने पहले भी किया जो कोर्ट्स की स्क्रूटनी में वो टिक नहीं पाया। इनको पता है कि जो सरकारों में बैठे लोग हैं, जो मंत्री हैं या फिर खुद मुख्यमंत्री जैसे सिद्धारमैया ने किया, उनको पता है कि इसकी कोई बहुत लीगल सैंक्टिटी नहीं, उसके बावजूद ये करना क्यों? बार बार इस तरह का रिट्रेट करते हैं इस तरह के मुद्दों को, क्या ऐसी सियासी हुई? वहाँ चुनाव भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपीज करते रहना कॉन्स्टेंटली, क्या सिर्फ यही एक कवायद रहती है?
देखिए, देयर इज अ वेरी परफेक्ट टर्म फॉर इट, आई बिलीव इट्स अ लेजिस्लेटिव आई वॉश। आप अपनी वोट बैंक को कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए या एक कमिटमेंट को यू नो ओवर एंड अबव एज में पुश करने के लिए कि वी आर डूइंग व्हाट वी कैन डू फॉर यू, एंड आई बिलीव द कोर्ट हैज टू यू नो बी वेरी क्रूशल अबाउट दिस फैक्ट, बिकॉज द थॉट बिहाइंड इट, एक बहुत हार्डलाइन कास्टेस्ट, बहुत हार्डलाइन रीजनल जो है वो अप्रोच है। आपने कुछ पास्ट इंस्टेंसेस में भी देखा होगा कि जो बिलबोर्ड्स भी थे वहाँ, यू नो दे सेड यू नो दैट अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश वी विल नॉट लेट यू नो द हिंदी लैंग्वेज टू कम इन। और ये जो एक रीजनलिज्म या कास्टिज्म की जो आग है, अगर ये बेनिफिट वाले दायरे के अंदर आप इसको प्रमोट करते रहेंगे तो मतलब आई कैन ओनली से दैट दिस इज अ मैच स्टिक टू यू नो द बिग सिचुएशन दैट इज कमिंग अराउंड। कर्नाटका के होने के बावजूद आई मीन इट हैज नॉट सक्सीडेड एंड देयर आर टॉक्स इन राजस्थान, सो आई कैन ओनली टेल यू दैट दिस इज ओनली अ स्टार्ट ऑफ इट। कोर्ट शुड कम हेविली ऑन इट फॉर द रीजन, क्योंकि हमारे यहाँ भारत एक अकेला ऐसा राष्ट्र है जो विविधताओं से बंधा हुआ है। वी ऑलवेज से वी आर अ कंट्री विद यू नो लॉट ऑफ मल्टीकल्चरल लेयर्स, और अगर आप उसके बेसिस पे आप उसको स्ट्रेंथ ना बना के आप उसको डिवाइड कर दें, आई मीन द वेरी मोमेंट दिस स्टेप वॉज टेकन द वेरी बिग फाउंडर्स ऑफ यू नो द टेक कंपनीज केम वेरी हेविली ऑन यू नो ट्विटर ऑल्सो, इफ यू माइट हैव रेड इट दिस मॉर्निंग। तो वुड यू प्रमोट टैलेंट? ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, वी आर स्टिल कॉम्बैटिंग इट, यू नो द गुड 30% इन US एंड यूरोप आर द टॉप टीयर माइंड्स फ्रॉम व्हाट वी से आर फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया। और जब हम बात करते थे टॉप कंपनीज के, बिग टेक फोर की या फिर बाकी कंपनियों की, तो CEOs इंडिया से है, मतलब उसमें हमको प्रेस्टीज की बात भी लगती है, लेकिन ये जो इस तरह के जब इस तरह के प्रोविजंस होते हैं तो दैट डेफिनेटली कैन हैम्पर आर मेरिटोक्रेसी। प्रियदर्शी जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, आपने शुरू में डिली डिलाइन किया, आप अब तो कम से कम स्पष्ट तौर पर कह दीजिए इतने पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद कि एक डिवीजन करने वाली बात है, देश का पहले से एक विभाजन हो चुका है, आज़ादी के समय से ही मंडल कमीशन को देश ने देखा, एकदम आग लग गई थी देश में, अब प्राइवेट रिजर्वेशन की भी आप एक मॉडल पेश कर रहे हैं, कम से कम आप ये तो कहिए कि जो कर्नाटक में वो गलत है। देखिए, इस चीज की डिमांड करने वाले कौन? सरकार ने उसको रोक भी दिया। नहीं, रोक भी दिया ना, तो आप हमारा स्टेटस तो आपको आज की तारीख में आपको पता है कि हमारा स्टेटस ये है कि हमने आज की तारीख में उसको रोका हुआ है और उस पर हम मंथन कर रहे हैं। अब आप जहां तक आपके मुद्दे, आज के मुद्दे की बात है, वो स्टेटमेंट, वो डिमांड किसकी है? शिव सिंह भाटी की, रविंद्र सिंह भाटी की है, जो शिव से विधायक है और वो भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, वहां से खफा है। तो इस चीज में सबसे पहला दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी का होता है और राजस्थान में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व और सबसे बढ़िया क्लियरेंस की जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की है, वो अपना क्या व्यू रखती है वो आपका भी, तो आप भी एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, आपके पास भी करीब 70 सीटें विधानसभा में हैं, आपका भी तो रुख बनता है, निर्दलीय विधायक जरूर है, बीजेपी से चले गए आप, यू कैन नॉट पास द बक, आप उनकी तरफ थे और चले गए, विपक्ष में शामिल है आगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात का आगे जवाब दे रहा था, मैं कह रहा था, मैंने आपको पहले क्लियर करा, आज ये विषय उठा है, आज विषय उठने के साथ साथ में हमारे जन संवाद के माध्यम से, जनता की राय के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं, हम जनता की राय एकत्रित करेंगे उसके बाद में निर्णय लेंगे। लेकिन एक चीज हमारी बिल्कुल क्लियर है राजस्थान के लिए, कि राजस्थान के अंदर अगर कोई योजना है या कोई भी उन्नति के साधन है तो हमारी मंशा कांग्रेस पार्टी की है कि उस पर सबसे पहला अधिकार योग्यता के साथ साथ के अंदर राजस्थानी का हो। ठीक है, तो ये कम से कम ये मान रहे कि योग्यता के साथ साथ यही बॉटम लाइन है, कम से कम जो एबिलिटी है और मेरिटोक्रेसी की बात बार बार जो हो रही है उसको कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जब देश खासतौर पर हम जब विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। सुरेश जी, आप जो है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हालांकि प्रियदर्शी जी बार बार कह रहे हैं भाटी आप ही के यहाँ से गए हैं, बीजेपी की सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं वो, आप इसको सिरे से खारिज करते हैं इस तरह के किसी की भी मांग को? क्योंकि आपके पूर्व में सहयोगी रहे दल महाराष्ट्र में अगर बात करें तो उस जमाने में यही हुआ था, दशक डेढ़ दशक पहले, कि बाहरी लोगों को हटा दिया जाए, स्थानियों को प्राथमिकता दी जाए। देखिए मनीष जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, और जो कर्नाटक का इश्यू है, कर्नाटक का तो आपने देखा होगा कि लायर फिर उस पर रोक लगा दी जब उनको देखा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, दूसरा इनको ध्यान भटकाने के लिए ये चीज लाई गई थी। अभी प्रिय दृष्टि जी बोल रहे थे कि राजस्थान में 4 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया। हाँ प्रिय दृष्टि जी, हमने निश्चित रूप से वादा किया, 20,000 नौकरियां तो हम दे चुके हैं और 50,000 नौकरियां इस साल हम दे देंगे, हर साल
हम 70,000 नौकरियां निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर देंगे, आपकी तरह झूठे नहीं है। आपने 5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी ने बोला था कि 2 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देंगे और उसका नतीजा क्या हुआ, 2 लाख प्रतिवर्ष में 10 लाख नौकरियां राजस्थान में मिलनी चाहिए थी, जबकि 1,35,000 नौकरियां पूरे नहीं। पर अब आप तो आपके ऊपर बड़े सवाल है, आपने जो अनाउंसमेंट कर दिया बजट में, उतनी सरकारी नौकरियां तो बन भी नहीं पाएंगी, अब आप ही पर सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ मनीष जी मैं यही कहना चाहता हूं कि हम प्रतिबद्ध हैं राजस्थान की जनता के प्रति, राजस्थान की जनता को रोजगार के अवसर पैदा करना। आपने देखा होगा अभी आरबीआई के डाटा है कि 2017 से 2023 तक लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है पूरे हिंदुस्तान में, और राजस्थान तो अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। जी, ये है मोदी जी की प्रतिबद्धता, ये है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता। ठीक है, नहीं लेकिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी देख लेना चाहिए राजस्थान के लिए, जब आप ये बात कर रहे हैं। अब समय नहीं है, समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, पांचों मेहमान से मेरे साथ जुड़े, जय जय जी बहुत शुक्रिया, पीयूष जी और तीनों मेहमान जो हमारे साथ दूर स्टूडियो से रहे, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप NDTV के साथ बने रहें। नमस्कार।